अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के ब्लॉग का स्टार्ट हो रहा है वॉशिंग मशीन की डीप क्लीनिंग के साथ। तो वंस इन अ मंथ मैं इसकी डीप क्लीन करती हूँ। उससे ये होता है कि जितने भी डस्ट या डर्ट मशीन के कोनों में कहीं पे भी चिपकी हुई होती है, छुपी हुई होती है, जो हमें बज़ाहिर नज़र नहीं आती, वो इस मेथड को यूज़ करते हुए बाहर आ जाती है और वॉशिंग मशीन बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाती है, स्पेशली फ़िल्टर वाला एरिया। तो पहले भी मैं शेयर कर चुकी हूँ, आज फिर मैं शेयर कर रही हूँ। तो क्या करना है, आपने बेकिंग सोडा लेना है, मैं इस ब्रांड का यूज़ कर रही हूँ, आप किसी भी ब्रांड का बेकिंग सोडा ले लें। आपने वो यूज़ करना है अच्छी खासी अमाउंट में, आपने उसको पूरी मशीन के अंदर डाल देना है, जहाँ पे हम सर्व डालते हैं उस वाले एरिया में डाल देना है। और आपने तकरीबन हाफ कप के करीब एप्पल विनीगर डाल देना है, या नॉर्मल विनीगर भी आप यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास एप्पल विनीगर है तो मैं ये डाल रही हूँ। इसको डालने के बाद आपने अच्छे से मशीन में स्प्रेड कर देना है। आप देखेंगे कि जैसे आप इसको डालेंगे ये रिएक्शन करना शुरू हो जाएगा बेकिंग सोडा के साथ मिलकर। फिल्टर को भी मैं निकाल के इसके अंदर ही फेंक दूँगी, खोल दूँगी, ताकि वो भी अच्छे से क्लीन हो जाए। इसके बाद हम क्या करेंगे जी, वॉशिंग मशीन में एक फंक्शन आता है जो कि यूजुअली लोग यूज़ नहीं करते, वो इसको क्लीन करने के लिए होता है। कि जब भी आपने अपने वॉशिंग मशीन को क्लीन करना हो तो ऑल यू हैव टू डू कि आप उस बटन को प्रेस करें तो आपकी मशीन जो है वो ऑटोमेटिकली क्लीन हो जाएगी। लेकिन मैंने वो मेथड यूज़ करके देखा तो उससे बिल्कुल भी क्लीन नहीं होता, बस पानी ही ज़ाया होता है। तो मैं क्या करने वाली हूँ, अभी मैंने इसमें बेकिंग सोडा डाला है, इसमें मैंने विनेगर डाला है, उसको डालने के बाद मैं इस फंक्शन को यूज़ करने वाली हूँ जिसका नाम है एको टब क्लीन। और आप देख सकते हैं डेलिकेट का बटन के नीचे ऑलरेडी मेंशन है, आपने इसको 3 सेकंड्स के लिए प्रेस करना है और आपकी मशीन उस मोड में चली जाएगी और उसके बाद वो खुद ब खुद अपने आप को क्लीन कर लेगी। तो ये टोटल 2 आवर्स लेगी, बस मैं इस मशीन को लगा के छोड़ जाऊंगी और ये बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन हो जाएगी। मैं आपको बाद में भी दिखाऊंगी ये कितना इसमें से गंद निकला है, जो कि हमें पता नहीं होता लेकिन इसके अंदर ही होता है। उसके बाद मैं मशीन को बाहर से भी अच्छे से क्लीन कर लूँगी, क्योंकि कल बारिश आई थी तो मशीन काफ़ी ज़्यादा गंदी हुई हुई है। तो ये आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा खासा अमाउंट में डर्ट निकला है। फ़िल्टर भी मैंने इसके अंदर खोल के डाला था ताकि अच्छे से क्लीन हो जाए। तो अभी मैं फ़िल्टर को बाहर निकाल लूँगी और मशीन को रिंस और स्पिन पर डाल के अच्छे से क्लीन कर लूँगी और हमारा वॉशिंग मशीन नीट एंड क्लीन हो जाएगा। अगले एक महीने की तैयारी पकड़ लेगा कपड़े धोने की। तो अगर आप अपने वॉशिंग मशीन का ख्याल रखेंगे तो आपकी वॉशिंग मशीन सालों क्या सालों सालों भी चलेगी। यूजुअली लोग इतनी केयर नहीं करते तो वो फिर ब्लॉक हो जाती है, फिर कपड़े साफ़ नहीं धुलते और काफ़ी मसले मसाइल होते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें करने से आपकी वॉशिंग मशीन, मैं मानती हूँ कि काफ़ी टाइम तक चलेगी। तो जी अभी इसको मैंने फ़िल्टर को क्लीन कर लिया है, अब इसको डालते हैं स्पिन पे एंड रिंस पे और इसको फाइनल वॉश पे डाल देते हैं। सो जी आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ डाइट प्लान, जिसके साथ हम अगेन 3 से 4 किलो वेट लूज़ कर लेंगे। लेकिन आपको कंसिस्टेंट रहना होगा। 2 से 4 दिन का ब्रेक मैंने भी लिया था, आप लोगों ने भी लिया होगा, लेकिन उसमें सबने कंट्रोल किया है। और जिन लोगों ने मेरे साथ वेट लॉस करना शुरू किया था उनका सबका मेरे साथ कॉन्टैक्ट है इंस्टाग्राम के ऊपर, और आई एम सो हैप्पी कि 10 से 12 लोग हैं जिनका वेट लूज़ हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने एम्प्टी स्टमक ड्रिंक लेना है, जो कि लेमन हनी वाटर होगा। एज़ ऑलवेज़ जैसे मैंने पहले भी बोला था, हनी 100% प्योर होना चाहिए तो ही आप यूज़ करिएगा, अदरवाइज़ आप खाली लेमन वाटर भी पी सकते हैं। हनी डालकर 1 टेबल स्पून और 1 लेमन का जूस निकालना है और 1 ग्लास आपने नीम गर्म पानी लेना है और इसको आपने पी लेना है। लास्ट डाइट प्लान में चिया सीड वाटर था, इस डाइट प्लान में लेमन हनी वाटर है। उसके बाद आपने 30 मिनट वॉक करनी है इस ड्रिंक को पीने के बाद। तेज़ तेज़ चलना है, घर के अंदर चलें या नीचे लॉन में चले जाएं, बाहर चले जाएं, लेकिन 30 मिनट्स की आपने वॉक करनी है कि आपको पसीना आए और आपका फैट लॉस हो। तो वॉक करनी मस्ट है। जैसे आप वॉक करके आएंगे उसके 1 घंटे के बाद आप अपना नाश्ता ले सकते हैं, जो कि होगा 1 अंडा लें, उसके अंदर आप ढेर सारी वेजिटेबल्स डालें जो भी आपके पसंद की है, कैप्सिकम, टमाटो, अनियन, इसके अलावा बंद गोभी हो गई, मशरूम्स हो गए, इनको डालकर एक अच्छा सा ऑमलेट बना लें और उसको खाएँ। साथ में आप अगर आपको ये नहीं खाना तो आप ओट्स बना सकते हैं, 1 कप दूध और 1/2 कप पानी के साथ आप 1/2 कप ओट्स के बना के 1 एप्पल के साथ वो खा सकते हैं। आप इसमें ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरीज, कोई भी किसी भी तरह का फ्रूट ऐड कर सकते हैं एक्सेप्ट बनाना और मैंगो, ये नहीं आप यूज़ करेंगे। तो ये आपका नाश्ता हो जाएगा।
नाश्ते के बाद 10 बजे जो आपने स्नैक लेना है वो होंगे ऑरेंजेस और वाटरमेलन। इनमें से कोई भी आप ले लें, कभी आप ऑरेंजेस खा लें, एक ऑरेंज ले लें अगर बड़े साइज़ का है, अगर छोटे साइज़ के हैं तो दो ले लें, वाटरमेलन एक कप ले लें, कभी वाटरमेलन खा लें कभी ऑरेंजेस खा लें, लेकिन स्नैक लेना ज़रूरी है। हर 2-2.5 घंटे के बाद आपको कुछ ना कुछ खाना ज़रूरी है, तभी आपका मेटाबॉलिज्म तेज़ से काम करता है और आपका फैट लॉस होता है। जब आप स्नैक ले लेंगे तो उसके बाद आपको लंच लेना है। लंच का टाइम अपना अपने हिसाब से रख लीजिएगा। लंच के ऑप्शन इस बार ज़्यादा हैं, आप चना चाट ले सकते हैं, दाल का सूप ले सकते हैं, रेड बीन्स की चाट ले सकते हैं, फ्रूट सैलड ले सकते हैं या बॉयल्ड एग्स ले सकते हैं। तो कभी आप चना चाट बना लें, चना चाट सेम जैसे हम चना को बॉयल किया, उसमें नमक चाट मसाला डाला, ढेर सारी वेजिटेबल्स डाली, थोड़ा सा दही डालकर उसको बना लिया, दाल का सूप बना ले, रेड बीन्स की चाट भी आप सेम उसी तरह बना सकते हैं ढेर सारी वेजिटेबल्स डालकर। कभी चाट खाने का मूड नहीं है तो आप फ्रूट सैलड ले लें, ढेर सारा फ्रूट काटें उसको मिक्स करें और वो खा लें, या फिर कभी आप 2 अंडे बॉयल करें और वो खा लें, ये आपका लंच हो जाएगा। ढेरों ढेर ऑप्शंस हैं, स्विच करते जाएँ और खाते जाएँ। इस बार मैंने ऑप्शंस बहुत ज़्यादा दी हैं क्योंकि लास्ट टाइम डिटॉक्स पर थे तो ऑप्शंस कम थी। इस बार आप इन ऑप्शंस को यूज़ करते हुए बहुत ही मज़े से एक हफ़्ते की डाइट कर सकते हैं। और इसके अलावा आपने स्नैक लाजमी लेना है। उसके बाद 6 बजे का स्नैक बनता है जिसमें आप खीरे ले लें या गाजरें ले लें, जो भी आपको पसंद है वो ले लें। कभी एक गाजर खा लें, एक खीरा खा लें, कभी 2 गाजर खा लें, 2 खीरे खा लें, इस तरह स्विच करते जाएँ। लेकिन स्नैक्स लेना ज़रूरी है, डाइट में भूखे नहीं रहना आपने, आपने खाते रहना है। जितना आप खाएंगे उतना आपका मेटाबॉलिज्म ज़्यादा तेज़ से तेज़ काम करेगा। तो ये हमारा 6 बजे का स्नैक हो गया है। इसमें आप ऑरेंजेस और वाटरमेलन भी ले सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। सो जी, लास्ट मील हमारा बनता है डिनर। डिनर में भी ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। आप चिकन टिक्का ले सकते हैं 200 ग्राम्स विद फ्रेश सैलेड बना लें, लेटस बंद गोभी, इसके अलावा आप रेड जो होती है मूली वो ले सकते हैं, उसके एक अच्छे से सैलेड बना के चिकन टिक्का के साथ खा सकते हैं, थोड़ा सा दही का भी रायता ले सकते हैं। इसके अलावा चिकन स्टेक बना सकते हैं नमक काली मिर्च डालकर। मैं आपको सारी रेसिपीज़ दूँगी इंशाल्लाह इसी वीक के अंदर। विद आप कोई भी मिक्स वेजिटेबल्स ले सकते हैं, उसके साथ आप चिकन स्टेक को इन्जॉय कर सकते हैं। इसके अलावा पास्ता सैलड बना सकते हैं, थोड़ा सा पास्ता लें साथ में, आप ढेर सारी वेजिटेबल्स डालकर आप बहुत ही मज़े का पास्ता बना के वो इन्जॉय कर सकते हैं। फ़िश टिक्का खा सकते हैं, फ़िश स्टेक खा सकते हैं। ये सारी ऑप्शंस हैं जो कि आप इस पूरे एक हफ्ते में यूज़ करने वाले हैं। स्विच करते जाएँ डेली के डेली, ये मील्स इतने मज़े के होंगे ना कि आपको डाइट करने में भी मज़ा आएगा। ये डाइट बहुत इंटरेस्टिंग है गाइस, आप बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे। और 10 से 12 लोगों ने मेरे साथ वेट लॉस किया है। 4 से 5 दिन का ब्रेक मैंने खुद लिया क्योंकि मैं एक चीज़ टेस्ट कर रही थी, मैंने कहा था पहले वो टेस्ट करते हैं उसके बाद मैं नेक्स्ट डेज पर जाऊँगी। लेकिन इन 4-5 दिनों में मैंने कोई इतनी ज़्यादा बदपरहेजी नहीं की कि मेरा वेट वापस आए, क्योंकि आपने एक मॉडरेशन के साथ चलना होता है। सो जी, डिनर पे हमारा एंड हो जाएगा। उसके बाद आ गया है जी टी, कॉफ़ी एंड ग्रीन टी। आप कोई भी एक कप ले सकते हैं कॉफ़ी का या चाय का, विदाउट शुगर लेना है आपने। दूध आप यूज़ कर सकते हैं, पाउडर मिल्क आप यूज़ नहीं कर सकते। या तो आप कॉफ़ी ले लें या तो आप टी ले लें, और मैंने लिखा है और टी या फिर कॉफ़ी, इनमें से कोई एक चीज़ लेंगे। कोई एक टाइम जब आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है या आपकी एनर्जी लो होती है, एट दैट टाइम यू कैन हैव दैट टी और कॉफ़ी। उसके अलावा ग्रीन टी आपने दिन में 2 बार पीनी है, दोपहर में खाने के बाद और रात में डिनर के बाद, ये आपने लास्ट में लेनी है। तो लास्ट टाइम टी कॉफ़ी का बहुत ही मसला हुआ था लोगों को, लेकिन इस बार आप आराम से पी सकते हैं, कोई इशू नहीं है। वाटर इनटेक आपने 2 लीटर पानी लास्ट में पीना है। 1.5 लीटर की बोतल तो कोई भी दिन में ख़त्म कर ही लेता है, तो मिनिमम आपने 2 लीटर्स पीना है, मैक्सिमम 3-3.5 तक जा सकते हैं, जितनी आपकी कैपेसिटी है, जितना आप होल्ड कर सकते हैं उतना पानी पिए। सो जी, ये था डाइट प्लान, और ये डाइट प्लान नर्सिंग मदर भी यूज़ कर सकती हैं। इसके अलावा जिन लोगों को थायराइड है, हाइपो हो या हाइपर हो, वो भी कर सकते हैं। जो लोग डायबिटिक हैं वो भी इसको कर सकते हैं, लेकिन फ्रूट ज़्यादा मीठे आपने नहीं खाने। इसके अलावा जो लोगों को जॉइंट पेन रहता है या आर्थराइटिस है या कुछ भी बोन रिलेटेड कोई भी इशू है, वो ये डाइट नहीं फॉलो करेंगे, क्योंकि ये हाई प्रोटीन डाइट है तो आप लोगों को मसला हो सकता है। तो आप लोग इस डाइट्स को अवॉइड कीजिएगा। तो जी, आपने क्या करना है, अपना वेट चेक कर लीजिएगा, एम्प्टी स्टमक लाजमी है, एम्प्टी स्टमक चेक कीजिएगा,
वेस्ट को मेजर कर लीजिएगा ताकि आपको याद रहे कि आपने कब स्टार्ट किया था और कितने वेट से स्टार्ट किया था। नेक्स्ट आपने क्या करना है जी, ये जो डाइट प्लान मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, दिस इज प्रोटीन डाइट प्लान जो कि 7 डेज आपने यूज़ करना है। इसके बाद आपने अगेन जो मैंने आपसे पहले डाइट प्लान शेयर किया था डिटॉक्स डाइट प्लान 7 डेज, उसके साथ स्विच कर लेना। एक हफ़्ता आपने ये डाइट फॉलो करनी है, फिर एक हफ़्ता वो करनी है, फिर एक हफ़्ता ये, फिर एक हफ़्ता वो। इस तरह आप इसको 1 महीना 2 महीने कर सकते हैं। इसके अलावा मैं तीसरा डाइट प्लान एक और बनाऊंगी, अगर मुझे वो अच्छा लगा और मेरा वेट उससे लूज़ हुआ तो मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। सो जी, बहुत ही सिंपल ये डाइट प्लान है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। अपनी मर्ज़ी से चीज़ों को बनाएं, खाएं, इंजॉय करें। ऑयल, चीनी, ब्रेड, आटा, चावल इसको अवॉइड कीजिएगा तो आपका वेट लॉस हो जाएगा। तो ये आई होप आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट करके बताइए। सो जी, लास्ट में मैं आप लोगों के साथ एक पेज शेयर कर रही हूँ जहाँ पे छोटे छोटे बच्चियों के बहुत ही ट्रेंडी और बहुत ही ब्यूटीफुल ड्रेसेस हैं जो कि वो ऑर्डर पे बनाती हैं, और इस पेज का नाम है ट्रेंडिंग क्लोदिंग। इनका यूज़र नेम है ट्रेंडी क्लोदिंग 25। आपने क्या करना है, इनके पेज को फॉलो करना है इंस्टाग्राम के ऊपर। आप इनकी पिक्चर्स देखें, आप ऑर्डर करें, आपके बच्चों के बहुत ही ब्यूटीफुल से कपड़े रेडी हो जाएंगे, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंगली। इसके अलावा ये बड़ों के कपड़े भी स्टिच करती हैं, काफ़ी लोग मुझसे टेलर का पूछते हैं, तो दिस इज़ लेडी जिनको मैं रिकमेंड कर सकती हूँ आप लोगों को। मैंने अपनी नीसीज़ के फ्रॉक्स इनसे बनवाए थे और बहुत ही पसंद आए सबको, इसीलिए मैंने इनको बोला कि अपना पेज बनाए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट्स मिले और आपका काम बने। ये घर से काम करती हैं, इनकी कोई शॉप या आउटलेट नहीं है, तो आप इनको इनबॉक्स पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जो भी आपने कपड़े सिलाने हो, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हो, वो आप इनको बता सकती हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपके कपड़े रेडी कर देंगी। और ये वर्ल्ड वाइड भी शिपिंग करती हैं, शिपिंग आपको पे करनी होगी। कपड़ों की स्टिचिंग की गारंटी मेरी है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है, क्योंकि मैं इनको चेक कर चुकी हूँ, इनका काम सब घर वालों को पसंद आया है। तो उस बेस पे मैं इनका पेज शेयर कर रही हूँ, क्योंकि जो चीज़ मैं खुद देख चुकी होती हूँ, जो मुझे अच्छी लगती है, वो ही मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो लिंक मैं नीचे कॉमेंट सेक्शन में दे दूँगी, ज़रूर फॉलो कीजिएगा। सोचिए, अब टाइम है मेरा लंच करने का, तो मैं खाने लगी हूँ। ये मिक्स सैलड बनाया था मैंने, जिसमें गाजर है, खीरा है, प्याज है, लेटस है, बंद गोभी है। इसके अलावा इसके अंदर जो जो मेरे पास घर में अवेलेबल था उन सबको मैंने डाला है। नमक, काली मिर्च डाला है, लेमन डाला है, थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाला है। ये डालकर मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये मेरा सैलड हो जाएगा, यही मेरा लंच हो जाएगा, क्योंकि मैंने ब्रेकफास्ट लेट किया था और उसके बाद मैंने स्नैक भी लिया था, तो मुझे बहुत ज़्यादा भूख नहीं है। तो इस सैलड से मैं अपना लंच करने वाली हूँ, मेरा पेट फुल हो जाएगा। तो आप लोगों का आई होप डाइट प्लान अच्छा लगा होगा, आप लोगों ने फॉलो करना है। इंस्टाग्राम पे मुझे अपनी सक्सेस स्टोरी ज़रूर बताएं कि कितना वेट लॉस हुआ है। 10 से 12 लोग मेरे साथ इन कॉन्टैक्ट हैं जिनके वेट लॉस हुआ है, जिनका नहीं हुआ आई डोंट नो वाई उनका क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जो डाइट प्लान मैं शेयर करती हूँ, मैं चेक करती हूँ उसके बाद शेयर करती हूँ। तो मुझे तो पता है कि अगर मेरा वेट लॉस हो सकता है तो किसी का भी हो सकता है, क्योंकि मेरा वेट बहुत स्टबन है, तो इसीलिए उसको जाने में थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है। सोचे, जाते जाते एक मैसेज देना चाहूँगी कि पॉजिटिव रहें, पॉजिटिविटी फैलाएं, इतना नेगेटिव मत हों। नेगेटिविटी फैलाने से आप किसी की लाइफ को और ज़्यादा परेशानी में डाल देंगे, उस बंदे की लाइफ ख़राब हो सकती है आपकी नेगेटिविटी से, आपकी हेट से। तो प्लीज़ खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें और हंसते बसते रहें। आई विल सी यू टुमारो गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।